दोस्तों नमस्कार। आज पूरा विश्व और हमारा देश कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी, खतरनाक वायरस से जूझ रहा है, लड़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना ही इसका कोई वैक्सीन बना है। तो हमें क्या करना है ये भी आपको अच्छे से मालूम है और आप, मुझे उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ, हमें अपने घर में रहना है। अब सवाल ये उठता है कि घर में रहने के लिए इतना पेशेंस कैसे आएगा, इतने दिनों तक हम घर में रहेंगे कैसे, 21 डेज तक। आज तो पांचवा छठवां दिन ही है। तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं टाइम पास करने के। और दोस्तों यदि आप इसे पॉजिटिव लें तो ये बहुत ही अच्छा समय है। मुझे लगता नहीं कि ये लाइफ में इसके पहले कभी आया हो। आप याद करें, इसके पहले कभी ऐसा टाइम नहीं आया, ऐसा वक्त नहीं मिला है। तो आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ ये अपना टाइम अच्छे से पॉजिटिवली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। कई लोग टीवी देखते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं। अच्छी बात है, टीवी देखें, आप अपडेट रहें। मगर जब आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो गया कि कोरोना एक्चुअली है क्या, कितना खतरनाक है ये, तो उसमें क्या है कि बहुत से ऐसे हैं कि सिर्फ उसको देखते रहते हैं। तो दिलो दिमाग पर पूरा वो छाया हुआ है, कोरोना कोरोना, और उससे एक डर का माहौल बना हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा न्यूज़ से हट जाइए, थोड़ा थोड़ा देर में अपडेट होइए। पूरे टाइम टीवी मत देखिए, टीवी देखिए मगर न्यूज़ मत देखिए, जहां पर अभी तो चारों तरफ कोरोना और सिर्फ कोरोना की ही चर्चा की जा रही है। चलिए अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप अच्छे से जानते हैं कि हमें घर में रहना है। उम्मीद है कि आप घर में ही रहेंगे पूरे दिनों तक, आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे। और जो जो प्रिकॉशंस हैं सबको मालूम है, वो क्या करने हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ये वीडियो मैं स्पेशली उन यूट्यूबर्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ। दोस्तों यदि आप भी यूट्यूबर्स हैं तो एक हमारे पास गोल्डन चांस है ये कि हम अपने चैनल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। और ये इसके साथ ही साथ हम घर बैठे देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं, विश्व के लिए भी कुछ कर सकते हैं। करना ये है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे हमें यदि कोई गलत वीडियोज़ आ रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशंस जो आ रही हैं वीडियोज़ में, यूट्यूब में या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में, तो उसे जब तक कि आप कंफर्म ना कर लें कि सही है, तब तक आप उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर मत कीजिए, फैलाइए मत। उसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि ये कहीं इसका हमारे समाज में, हमारे देश में कहीं इस इंफॉर्मेशन से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा है तो आप ये काम मत करिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यदि आप कोरोना टॉपिक पर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ट्रू इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारा जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा कोई सूचना मिलती है जो जेन्युइन है, उसे आप अपने तरफ से मॉडिफाई करके, उसे आप उसका वीडियो बना करके और चारों तरफ आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो इससे हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हमें कोरोना से लड़ना है और इसे भगाना है। तो दोस्तों आप टॉपिक पे आते हैं, मैं ये कह रहा था कि हम सारे यूट्यूबर्स अभी जैसा कि पूरे टाइम हम घर में हैं, बहुत सा समय हमारे पास, तो हम अच्छे अच्छे वीडियो एक दूसरे को शेयर करें। अब मैं खास बात ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम क्या कर रहे हैं, कि कोशिश ये कर रहे हैं जैसे मैंने कहा कि हम अपने सब्सक्राइबर्स, लाइक और शेयर इसे बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि डायरेक्ट लिंक भेज दी जाती है। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने स्टडी की है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग यदि आप डायरेक्ट लिंक देते हैं किसी को, तो ये वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने डायरेक्ट लिंक किसी से शेयर की है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू, और आपने उसके अकॉर्डिंग क्लिक किया और सीधे आपने वीडियो वॉच भी नहीं किया और डायरेक्ट आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया। इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मगर आप यदि गौर करें, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि यदि आप कंटिन्यू एक ही टाइम में, एक घंटे में बैठकर 20 से 25 सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं और आपका वीडियो, आपका चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ये यूट्यूब को मालूम हो जाता है और यूट्यूब आपको अनसब्सक्राइब भी कर देता है। ये मेरे साथ हुआ है और अभी तक मैंने जितने भी ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सारे ग्रुप के साथ ये चीज़ शेयर की है, बहुत से लोगों ने इसे समझा भी है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ। ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आखिरी तक देखिएगा। और जो आई बटन आप देख रहे हैं, उस आई बटन में भी मेरे पहले की वीडियो, वहाँ भी आप देखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी लिंक, वीडियो की लिंक शेयर नहीं करनी है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आप जैसे स्क्रीन पे देखिए, इसमें आप अपने चैनल का जो आपका बैनर है उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक ही नाम के और भी चैनल होते हैं।
तो आपका जो लोगो है और आपका बैनर कैसा दिख रहा है ये एकदम क्लियर हो जाएगा। आप उसे शेयर कर दीजिए और अपने यूट्यूब के जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मेरे इस चैनल को सर्च कीजिए। जब आप सर्च करते हैं तो यूट्यूब उसे प्रमोट करता है कि हाँ, इनके वीडियो को लोग सर्च कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो परमानेंट सब्सक्राइब होगा। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरे साथ बहुत से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि पूरे विश्व से मेरे साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं मेरे चैनल से, उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें भी मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, उन्हें भी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ। ये वीडियो हिंदी में है, आप सबके लिए है, भारतवासियों के लिए, और उनके लिए एक अलग से वीडियो में इन्फॉर्मेशन के लिए यही वाला वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी बनाऊंगा और वो भी मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, तो ये जेन्युइन होगा और वो परमानेंट सब्सक्राइब होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबका सपोर्ट करूंगा और आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, मैं वीडियो वॉच करूंगा, आप भी मेरे वीडियो वॉच करिए। तो बस हमें कोरोना से लड़ना है, 21 दिन तक साथ बने रहना है। हो सकता है रोज मैं कुछ कुछ वीडियो बनाता रहूं, आप लोग भी बनाइए, मजा आएगा, क्योंकि हम अपने टॉपिक पे तो वीडियो बना रहे हैं, हम अपने टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, बनाते ही रहेंगे। मगर हमें बनाना है कोरोना पे। हमारा देश अभी जिस दौर से गुजर रहा है वो है कोरोना, और कोशिश ये करें कि यदि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और इसका फायदा हमारे देशवासियों को, पूरे विश्व को होता है, तो इससे बढ़ के सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं होगी। और हम देश सेवा में अपना छोटा सा एक योगदान देंगे, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों, मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा और उस वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। आप कोरोना से बचे रहेंगे कब? जब आप घर में रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।